लिखिए क्वेश्चन। ए लाइब्रेरियन परचेज, ए लाइब्रेरियन परचेज 60 स्टोरी बुक फॉर हिज लाइब्रेरी बट he found that he could get 4 extra book by spending rupees 336 more 36 more 336 more and then the overall average price per book would be reduced by rupees 1. The previous average price of book watch एक पुस्तकालय अपने पुस्तकालय के लिए साठ कहानी की पुस्तक खरीदता है लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपये और खर्च करता है तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की औसत कीमत 1 रुपये कम हो जाएगी प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत बताएं। बताओ, बहुत प्यारे बच्चे हो आप सभी, नहीं, तुक्का मार ले, ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। ले 93, वो गलत है, लेकिन शाबाश भी बताओ। शाबाश, कैसे किया? गलत आ रहा है, समझ गया। ऑप्शन है 100, देख ले, ये ऑप्शन है, दिख गए? SSC 2016 में आया था क्वेश्चन,
और एसएससी का पेपर टीसीएस ले रही है, और आपका दिल्ली पुलिस का पेपर भी कौन लेगा? टीसीएस। और टीसीएस ऐसे ही क्वेश्चन डालती है, घटिया क्वेश्चन नहीं है, कई बच्चे एवरेज घटिया तरीके से पढ़ लेते हैं। घटिया क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले ही, हल्के भी, फिर धीरे धीरे मैंने कहा लेवल बढ़ाता हूँ, तो अब चम लेवल पे चल रहा है इसका, बता दें। चले देखो भाई, हमने एवरेज प्राइस मान लिया एक्स, हम या तो ऑप्शन से उठा के करें या ऐसे करें, तो ऐसे ज़्यादा बेटर है। और टोटल कितनी किताबें खरीदता है वो? अगर 60 बुक खरीदता है तो 60 बुक के लिए कितने रुपए दिए होंगे उसने? 60x भाई, एवरेज जितना था 60 के लिए कितना होगा? 60x होगा, क्लियर है। आगे क्या करा क्वेश्चन की लैंग्वेज में, यदि वह कितनी पुस्तकें, चार पुस्तकें अधिक खरीदा तो कितनी खरीदता? और प्राइस औसत प्राइस से कितना कम हो जाता? इन दोनों का अंतर बता रहा है भैया, कितने रुपए का आता? 300। क्वेश्चन सोल्व हो गया, 64x माइनस 64 माइनस 60x बराबर कितना आया? अरे 64 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 336 में 64 ऐड करेंगे तो प्राइस कितना था, यानी पहले की एवरेज की प्राइस कितना था? 100 रुपये से। क्लियर? बिल्कुल, बहुत प्यारे बच्चे, बिल्कुल दोस्त, पढ़ लैंग्वेज पढ़, क्या लिखा क्वेश्चन, आवाज़ आनी चाहिए यहाँ तक। कितनी स्टोरी बुक खरीद रहा है? 60। एक की प्राइस मान लो एक्स है, तो टोटल 60 की कितनी होगी? पक्का? आगे पढ़, शाबाश। 4 एक्स्ट्रा बुक का मतलब पहले 60 थी, अब कितनी होगी? 64 हो गई। अगर 336 रुपये और दे दे, पहले से 4 ज़्यादा खरीदता, पहले 60x था, अब इतना है और प्राइस 1 रुपये कम हो जाता, तो एक्स में से एक कम कर दिया बस, इक्वेशन सॉल्व। क्लियर भाई? बड़ा प्यारा लड़का था यार। हो गया? अच्छा, बता दें भाई, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करते हैं। 4 और 5 को हिंदी में बोलते हैं 45 और इंग्लिश में बोलते हैं 45। क्वेश्चन लिखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 2017 में भी आया, 2018 में भी आया, 19 में आया और 20 में CHSL में भी आया है, जो भी एग्ज़ाम चल रहे। क्वेश्चन लिखे, बच्चा कह रहा है सर डाटा भी बदल नहीं रहा, क्वेश्चन एक एक पेपर में 15-15, 16-16 क्वेश्चन ऐसे चीज रिपीट मार रहा है बार बार, पढ़ाया हुआ, जो पेपर देने जाएगा तुम में से उसको भी पता चल जाएगा। लिखो क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है, द एवरेज वेट ऑफ थ्री मैन, द एवरेज वेट ऑफ थ्री मैन ए बी सी इज 84 किलोग्राम, तीन व्यक्ति ए बी और सी का औसत भार, तीन व्यक्ति ए बी और सी का औसत भार 84 किलोग्राम है, ए बी और सी का औसत भार 84 किलोग्राम है, एनदर मैन डी ज्वाइन द ग्रुप, एक और व्यक्ति डी शामिल हो जाता है, अनदर मैन डी ज्वाइन द ग्रुप, एक व्यक्ति डी और शामिल हो जाता है, एंड द एवरेज नाउ बिकम 80 kg, तो अब औसत 80 किलो हो जाता है, तो अब औसत 80 किलो हो जाता है, इफ अनदर मैन ई, इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन ऑफ डी, अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी,
दैट ऑफ डी, डी के बाद कॉमा लगाना है, रिप्लेसिज ए, रिप्लेसिज ए, देन द एवरेज वेट ऑफ, रिप्लेसिज ए, देन द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एंड ई, बी सी डी एंड ई बिकम, बी से ई तक 79 kg. What is the weight of A? What is the weight of A? हिंदी वालों ने 80 किलोग्राम हो जाता है, यहाँ तक लिख लिया था ना, उसके बाद लिखिए यदि एक और व्यक्ति E, यदि एक और व्यक्ति जिसका वजन D से 3 किलो ज़्यादा है, जिसका वजन D से 3 किलो ज़्यादा है, वह A को स्थानांतरित कर देता है, वह A को स्थानांतरित कर देता है, मतलब बदल देता है, स्थानांतरित कर देता है, तो B, C, D और E का औसत वजन, तो B, C, D और E का औसत वजन 79 किलोग्राम हो जाता है. 79 बोले तो 79. तो A का भार ज्ञात करें, तो A का भार ज्ञात करें, तेरे सामने रख दिया, ऑप्शन भी देखता रही हो तो क्वेश्चन का, बड़ा प्यारा लड़का है, बस खुश रहे. एवरेज पढ़ा दिया है मैंने, ये प्रियंका पूछ रही थी क्वेश्चन एक थोड़े दिन पहले, ही वैसा ही क्वेश्चन है, वो भी किताब का ही. ऑप्शन बता दे भाई, इसको ऐसे दिखा दे फोन से. 72, 75, 70, 80. सेवेंटी टू, सेवेंटी फाइव, सेवेंटी और एटी. क्या विकास के फोन आते हैं क्या, नरेंद्र मोदी के फोन आते इतने, और किसी के नहीं आते. गलत आ रहा है, ऑप्शन है 72, 75, 70, 80. 80. पढ़ साहिल क्या लिखा है, शाबाश मेरे से, पढ़. देखो इधर ध्यान दो एक बार, इससे घटिया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन. तीन व्यक्ति एबीसी का औसत वजन कितना बेटा, 84. व्यक्ति कितने हैं, तो कुल वजन कितना हो जाएगा इनको, 200. विश्वास कर लो तेरे पे, अच्छा चल कर लिया. आगे पढ़. एक और व्यक्ति एक डी को और शामिल कर देंगे तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे. देखो जैसा आप क्या करते हो, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो, मैं कभी पूरा नहीं पढ़ता, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे एक एक पॉइंट उठाओ. चार हो गया, अब औसत वजन कितना हो गया, 80 × 4 कितना हो जाएगा भाई, 320. कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, अगर मैं को यहाँ से डी का निकालना हो, खाली किसका निकालना हो भाई, यहाँ देखो ये तीन व्यक्ति है ए बी सी, ए बी सी हटा दूँ मैं तो खाली क्या बचेगा, तो 320 में से 252 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा डी. खाली डी का पूछ तो मेरा आंसर यही आ जाता, लेकिन इसमें डी का नहीं पूछा. आगे पढ़. ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज़्यादा है, तो डी से 3 किलो ज़्यादा कितना ई का वजन, 71. अगर ई का पूछता तो 71 आ जाता, उसने पूछा ए का है हमसे. आगे पढ़. स्थानांतरित मतलब ए को रिप्लेस करेगा, तो ए की जगह आ जाएगा डी, ए की जगह कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, ए को रिप्लेस कर दिया. अब देखो ए को रिप्लेस करेगा तो इसकी वैल्यू 71 वो तो रहेगी रहेगी, अगर ज़्यादा हुए तो ऐड करेंगे, कम होगी तो घटा देंगे.
यानी इसके आसपास का आंसर आएगा। अब आगे पढ़, रिप्लेस कर देता है तो कितना हो जाता है, 79 इंटू चार कितना, 316। अब देखो ये बी सी डी यहाँ, ये बी सी डी यहाँ रिप्लेस किसको किया इसने, ए को, यानी कि इतना तो आएगा ही आएगा। और इन दोनों में अंतर कितना है, चार, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है तो ए भी चार ज़्यादा कर दो, किससे, 71 से चार, कितने किलोग्राम हो जाएगा, ये सवाल का उत्तर। फिर से समझ लो बात, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने कहा 17 में आया है नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो 2010-12 वाले सिलेक्शन भूल जाना, वो देखने में अच्छे लगे पेपर में नहीं आएंगे, ये नए क्वेश्चन बार बार बना रहे टीचर्स ने बनाया हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पूछ रहे हैं और इन क्वेश्चनों में फंसा रहा बच्चों को। उसने बोला ए बी सी का औसत वजन 84 है तो तीनों का कितना होगा, अगर डी को शामिल करिए तो औसत वजन 80, यानी कितना हो गया, 320 में से 252 घटाएंगे तो डी आ जाएगा, और ई का वजन डी से 3 किलो ज़्यादा कितना आ जाएगा, ई को ए की जगह ई को लाना है तो बी सी डी तो यही रहेगा, बी सी डी तो यही रहेगा, ए की जगह ई को लिया तो 17 हो जाता, कितना होगा, तो यानी ई को लाना है तो 71 तो ई लेगा ही लेगा ए की जगह। अभी देखो इससे कितना ज़्यादा है तो चार ज़्यादा है तो चार ऐड कर देते, अगर कम होता तो यहाँ से क्या करते, घटा देते। क्लियर है बात, लिखो और किसी का निकाल, और किसी का निकाल सकते हैं, डी का निकाल लिया, ई का निकाल दिया, ए का निकाल दिया, बी सी का पूछे बी सी का निकाल सकते हो। ये तो क्वेश्चन में दे रखा नाला ही पढ़ गधे, कह रहा 79 समझ में आया, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। अरुण कुमार सिंह साइकोलॉजी की किताब बिकती तुम्हारे नाम से, बहुत बड़ी वाली, और तुम छोटी छोटी गलतियां करते हो। चलो एक दिल्ली पुलिस का ही क्वेश्चन डालते हैं आपके ऊपर, देखते हैं भाई कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है। बता दें, चले क्वेश्चन नंबर 46 दिल्ली पुलिस का ही आया हुआ क्वेश्चन है। हम लिख देते हैं क्वेश्चन 46 को, देखो थोड़ा सा दिमाग जिस बच्चे के पास होगा वो 2 सेकंड में कर देगा, और जो बिल्कुल ही गधा होगा वो 5 सेकंड में करेगा, और जो ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होगा वो करेगा ही नहीं। फाइंड द एवरेज ऑफ, औसत ज्ञात करनी है 3 की पावर 120 कोमा 3 की पावर 52 कोमा 3 की पावर 38 का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 की पावर 120 3 की पावर 52 3 की पावर 38। ये रहेगा एग्जाम में आया क्वेश्चन, दिख जाएगा तो यहाँ बैठा हाथ के नीचे क्वेश्चन का फायदा होगा। ऑप्शन है, पहला है 3, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन है पहला 3, दूसरा ऑप्शन है 3 की पावर 209, तीसरा ऑप्शन है 3 की पावर 70 और चौथा ऑप्शन है 3 की पावर 119 प्लस 3 की पावर 51 प्लस 3 की पावर 37। दिख रहा है, दिख रहा है, ये बहुत तेज मारूंगा ना लाइक का सारा कलर इस जैसा हो जाएगा, देख ले गधे। अच्छा एक चीज़ बताना मुझे ज़रा, ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है और बार बार पूछ रहे हैं, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपके बैच में कराना संभव समझा। देखो अगर मैं बोलता भैया 3, 4, 5 का औसत बताओ तो आप क्या करते हैं, सर क्या पूछ रहे हो, हम तो ऐसे निकाल देंगे, मैंने कि कैसे, कहते आप कहते 3 जमा 4 जमा 5 कितनी संख्या है, तो 3 से जो ऐसे करते ना,
अब ये कितनी संख्याएं हैं? तीन संख्याएं। कोई दिक्कत है किसी को भी? और अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो हम इसको ऐसे ऐड करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है, प्लस में तो ऐड नहीं होती, फिर कैसे ऐड कर दी? होती है ऐड, फिर कैसे ऐड कर दी? घर की खेती है, पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है, प्लस में थोड़ी ऐड होती है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? तीन कॉमन ले लेंगे, तो 120 थी पावर कितनी बचेगी? प्लस 52 थी कितनी बचेगी? 38 थी कितनी बचेगी? नीचे कितना? तीन से तीन उड़ा दो तो क्या बच गया? तीन की पावर 119, तीन की पावर 51, तीन की पावर 37। इस सवाल का उत्तर देखो, पेपर के अंदर एज इट इज क्वेश्चन आया था और ऑप्शन देखो, एक तो वही दे रखा है तीन, मुझे पता तुक्का इसने मारा था, देख एक ही वही दे रखा तीन की पावर 70 जो गधे ने मारा था, तूने मारा था, इनको जोड़ के तीन से डिवाइड मार दिया था देख, और एक ऑप्शन ये दे रखा, वो एग्ज़ाम ऐसे ऑप्शन सेट कर रहा है, उसको पता है कि बालक कहाँ फंसेगा। एक एक कम कैसे हो? अरे तीन की पावर एक कॉमन ले लेंगे तो 120 से 119, 52 से एक कम 51, 38 से एक कम 37। ये सवाल का उत्तर। अगला क्वेश्चन 2019 में आया था और अच्छा क्वेश्चन, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन इस बार भी, डाटा या कुछ और होगा, 99% चांसेस क्वेश्चन के रिपीट होने के इस बार, ठीक है बालक? बताया गया था नहीं किसी को? देख ले बताया तो। क्वेश्चन मिटा दे इसको। फाइंड द एवरेज ऑफ 47, 2019 में आया था, फाइंड द एवरेज ऑफ, भाई थोड़ा सा बड़ा है मैं लिख देता हूँ, औसत याद करनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7 का औसत ज्ञात करें। और ऑप्शन थे 3, 8, 5, 4। दिख गया क्वेश्चन? ले लूँ? देख लिया भाई? वाह, मेरे पास तो क्वेश्चन भी रखा रहता है। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, बहुत मारूंगा गधे, हमेशा जल्दबाजी में गलत आंसर देगा। अजय के पास बैठ के तो विजय नहीं हासिल कर पा रहा है, क्या फायदा तेरा? ऑप्शन है 3, 8, 5, 4। बता भाई, तूने तो एवरेज पढ़ रखी थी अक्रम, बता शाबाश, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, डेट भी लिखी हुई, कब कब आया है? एक ही बार सुन लिया करो, चार बार नहीं बोलूंगा ऑप्शन में। कैसे किया? सबको जोड़ दिया, बड़ी जल्दी स्पीड करी तो। देखो कई बच्चे तो ऐसे कर रहे हैं जिसको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा, 7, 7 बार है 49, 6, 6 बार है 36, 49 और 36 85, 85 49 और 36 कितना होता है?
36 और 9 45 यानी 85 और 25 110 और 16 126 9 135 139 और 140 सबका जोड़ आया। संख्या गिन लेंगे हम, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 के साथ। कई बच्चे तो ऐसे निकालते हैं इसको। अगर उसने गलती से बेटा इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, देखो ये तो ठीक है आपने जोड़ लिया छोटी संख्या थी, अगर वो ऐसे लिख दे कि एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, डैश 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 डैश, सौ सौ बार का औसत ज्ञात करो, लिख सकता नहीं लिख सकता भाई, एग्जाम दे सकता नहीं दे सकता क्वेश्चन, वो 150-200 कुछ भी लिख देता, अब जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या 7 बार जोड़ने में हमें टाइम लगा, फिर 8 को 8 बार जोड़ेंगे, 9 को 9 बार जोड़ेंगे। आप इस चीज़ को ऐसे समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो एक कितनी बार है, एक बार, दो कितनी बार है, दो बार, तीन कितनी बार है, आप एक का स्क्वायर कितना होता है, दो का स्क्वायर कितना होता है, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पाँच का स्क्वायर, छः का स्क्वायर, सात का स्क्वायर, जो संख्या जितनी बार ऐड होगी उसका स्क्वायर बनेगी। देखो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, दो दो बार है, दो और दो, देखो दो का स्क्वायर चार, तीन तीन बार, एक दो तीन, तीनों को जोड़ोगे, तीन का स्क्वायर नौ, चार का देखो चारों को चार बार जोड़ो सोलह, पाँच को पाँच बार जोड़ो, क्या मैंने स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला बताया आपको, क्या बताया बताना, क्या बताया है, एन, हाँ हाँ, डिवाइडेड बाय 6, ये तो इसका जोड़ आया, और इसका औसत निकालेंगे हम। इसका औसत कैसे निकालेंगे, मैं संख्या थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ या फॉर्मूले को थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये है, अगर मुझे इसका औसत निकालना होगा इसके साथ हम क्या करेंगे, कितनी बार है संख्या, एक कितनी बार है, दो कितनी बार है, तीन कितनी बार है, चार कितनी बार है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे, अबे गधो देख लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये तो टोटल 28 है यार, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सात सात बार लिख सकते हैं, और या फिर आपको इसका जोड़ भी बताया मैंने, क्या n n प्लस वन बाई निकालना बताया, देखो n से n, n प्लस वन से, लास्ट क्लास में कल ही बताया था मैंने, परसों जो परसों की क्लास में थे, बताया नहीं बताया बोलो, तो 2n प्लस वन, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचा, n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, सात, दो गुना दो चार, सात और एक बटे कितना, दो से काटा, यही होगा कितना है, अच्छा ये टू है अंदर, बिल्कुल कोई बात नहीं, दो गुना दो कितना, चार, सात दूनी चौदह और एक बटे छः, दो से काटा, तीन से काटा कितनी बार, कितना आना चाहिए, दस, और यहाँ पे एक टू और होगा, ये टू अंदर था बाहर लगा दिया है, यार नालायक को बताते भी नहीं हो, सात और एक पंद्रह गुणा दो बटे छः कितना आया, पाँच, इस सवाल को या तो पैसे करो, और ये फॉर्मूला इसलिए याद रखना ज़रूरी है कि बेटा अभी तक उसने सात ही संख्या थी तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया था, जोड़ आया था 140 बटे 28, ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन बेटा अगर 100 बार आ जाए तो हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा पिछली क्लास में जो बताया था कि किसी भी स्क्वायर का सम निकालना हो तो ऐसे निकाल, और किसी भी संख्या का सम निकालना तो ऐसे निकाल, क्लियर है, लिख लो इसको, कितनी बार है, एक दो कितनी बार है, तीन कितनी बार है,
चार कितनी बार है? नीचे तो वो ही आएगा जितनी संख्या ही होती है यार। क्लियर है? या आप सीधा सीधा लिख लो, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लो। अब क्लियर है? अभी भी 28 ही बनेगा देख। एक से सात तक के जोड़ का फॉर्मूला ये है, एक से सात तक के स्क्वायर का फॉर्मूला ये लिखवा है। कॉपी दिखा पीछे कहाँ लिखा, फिर भी बोल नहीं रहा है। एंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर देख, मिल गया देख गधे ये रहा। याद कर ले इनको, देखने नहीं पड़ेगा बार बार, जैसे भी मुंह बना रहा था गधे की तरह। 48 नंबर क्वेश्चन भाई, बड़ा ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है एग्जाम में। मिर्ची कहाँ से आ रही भाई? 48 देखो, एक मिनट ये बंद कर दे, खुल जाएंगे दोनों। एक मिनट के लिए बंद कर ले, बस ये भी बंद कर ले। 48 देखो, नंबर कह रहा है, क्वेश्चन लिखो, एवरेज ऑफ एन नंबर इज, और तेज आएगी खोलेगा तो, एवरेज ऑफ एन नंबर इज ए, एवरेज ऑफ एन नंबर इज ए, द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय टू, द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय टू, सेकेंड नंबर इज इंक्रीज बाय फोर, थर्ड नंबर इज इंक्रीज बाय एट, एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब आगे भी इसी तरीके से। द एवरेज ऑफ न्यू नंबर इज, द एवरेज ऑफ न्यू नंबर इज, हिंदी में एन संख्याओं का औसत ए है, चला ले बेटा चला ले, एन संख्याओं का औसत ए है, पहली संख्या में दो जोड़ दिया जाए, एन संख्याओं का औसत ए है, पहली संख्या में दो जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में चार जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या में आठ जोड़ दिया जाए, और इसी प्रकार आगे की संख्या को बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार आगे की संख्या को बढ़ाया जाता है। नई संख्याओं का औसत कितना है? चला ले बेटा, नई संख्याओं का औसत कितना है? ऑप्शन दे देता हूँ बेटा इसके में। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, ए प्लस टू की पावर एन माइनस वन, माइनस वन अपॉन में एन। बी ऑप्शन है ए प्लस टू, टू की पावर एन माइनस वन अपॉन एन। तीसरा है ए प्लस टू, टू की पावर एन माइनस वन अपॉन एन। फोर्थ ऑप्शन है ए प्लस टू की पावर एन माइनस वन अपॉन एन।
बताओ भाई शाबाश। तुम दोनों का तो आना चाहिए, तुमने एपी जीपी पढ़ा है मेरे से, एपी और जीपी पढ़ा है मैंने सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एसपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन तीनों पढ़ाया है। और एपी वाले बच्चे तो निकालनी पड़ेंगे, जिन्होंने 11th में मैथ पढ़ा जीपी का वो भी निकाल पाएंगे। 2015 में आया था ये, क्या कह रहे हैं? लेकिन SSC TCS के एग्जाम पेपर में आया हुआ, घर नहीं बना, 2015 में आया। देखो कुछ भी नहीं है इसमें, क्वेश्चन में एन संख्या का औसत कितना है? ए है। फिर पहली संख्या में कितना बढ़ाया गया? दो की पावर एक, कितना होता है? दो। दूसरी में कितना बढ़ाया गया? चार का मतलब दो की पावर। तीसरी में आठ का मतलब दो की पावर, ऐसे एन नंबर तक चलेगा, यानी हम कह सकते हैं 2 की पावर n। और नीचे क्या आएगा? अगर मैं इसकी बात को देखो, डायरेक्ट पूछ रखा है जीपी का औसत पूछ रखा है, तो अगर आपने जीपी पढ़ा है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो चीज़ यहाँ होती है उसको तो एज इट इज लिख देते हैं। देखो इसने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो सब जगह ऐसा ही है। फिर जीपी का फॉर्मूला होता है, जो भी पावर में होती है, 2 है 3 है 4 है 5 है, वो लिखते हो और उसी की पावर एन लगाते हो, -1 लगाते हो, नीचे आना होता है। ये सवाल का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रखा है, देख क्या पूछ रखा है फॉर्मूला, याद रख लो जीपी का फॉर्मूला ये होता है। अगर यहाँ 3 होता तो क्या लेते हैं, 4 होता तो क्या ले लेते, 4। यहाँ ए जोड़ रहा तो ए लिख दिया, बी जोड़ रहा तो बी लिखते, सी जोड़ रहा तो सी लिखते, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये आंसर है सवाल का। हाँ तभी तो हमने एक्स्ट्रा जोड़ रखा है, सभी ऑप्शन में दे रहा है वो। बाकी जीपी का फॉर्मूला है जिनको पढ़ाया है मैंने सिंप्लीफिकेशन में, भाई समझाना कुछ नहीं, ये चीज़ दे रखी है ए है, ये ऐड कर रहे हैं हम, तो इस चीज़ को सोल्व करने का ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें ये जोड़ दो, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रखा, जैसे मैं कहूँ ए प्लस बी का उसके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो लिख दे वो आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है ग्रुप डी SSC में आया, देखो GD में ही आया है, हालांकि कराने की जरूरत नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है। NTPC ग्रुप डी जिसको देना हो और देना हो, हालांकि चलो कहो करा देता हूँ, खुल गया क्वेश्चन तो अब करा दें पक्का। क्वेश्चन नंबर 4 और 9 लिखिए, ईच मेंबर ऑफ ए क्लब कॉन्ट्रीब्यूट एज मच रुपीज एंड एज मच पैसे एज द नंबर्स ऑफ मेंबर ऑफ क्लब। इफ द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज रुपीज 2525 देन द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ क्लब इज। किसी क्लब के सभी सदस्य किसी क्लब के सभी सदस्य
क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान देते हैं, रुपए और पैसे का ही योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 2525 रुपए का है तो क्लब के सदस्यों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 60, 50, 45, 55। लिख लिया। आनंदम बताओ भाई, तू भी लेट आया 6 मिनट। नहीं भाई, देखो एक तो तरीका ये, मान लो मेंबर है एक्स, एक्स मेंबर ने एक्स रुपए दिए और एक्स ही पैसे दिए, पैसे को रुपए में बना दिए, तो दोनों ने मिलाकर इतना लिया, बराबर कितना? यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेना कितनी आ जाएगी। हालांकि ये नहीं करना है, करना कैसे? ऑप्शन क्या क्या थे? 45 था, 55 था, और अगर कहो क्लब के सदस्य 60 थे तो 60 आदमी 60-60 रुपए देंगे, 36 तो यही हो गए, तो 2500 तो ज़्यादा आ रहा है, 55 आदमी से 3025 हो गया। अगर 50 आदमी 50-50 रुपए देंगे तो कितने रुपए होंगे? और जितने रुपए दे रहे उतने ही पैसे, अगर 50 आदमी 50-50 पैसे देंगे तो 50-50 पैसे कितने रुपए होंगे? अरे 50 आदमी 98 देंगे तो 25 रुपए और देंगे, टोटल कितना वेरीफाई हो रहा है? तो ऑप्शन से मार दो 50 जिस सवाल का उत्तर। बात समझ में आ गई? ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। सही तो बोला। मैंने कब गलत बोला? मुझे आगे बढ़ते हैं, आज इस चैप्टर को पूरा ही कराएंगे, 60 क्वेश्चन है टोटल, 49 हो गए तो इसी को करा देते हैं, बिल्कुल पूरा हो जाए फिर अगली क्लास में। जैसे कई गधे बैठे हैं, मतलब ये गधों का मतलब होता है अच्छे बच्चे, तो ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो स्टार्ट करेंगे। पढ़ा है प्रॉफिट लॉस कभी? प्रॉफिट कब होता है? मान ले तो अपने ससुराल गया, 50 के दर्जन केले लेकर सासू ने 200 का थमा दिया, 150 का फायदा हो गया, प्रॉफिट है ना, और 50 के केले धर के 25 रुपये दे दिए तो नुकसान हो गया, नहीं मिटा देते हैं। पचास के क्वेश्चन की बात करते हैं। द एवरेज ऑफ 13 मेंबर्स इज, मेंबर नहीं नंबर्स है, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 47, एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 47, 13 संख्याओं का औसत 47 है, 13 संख्याओं का औसत 47 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज 39, पहली तीन संख्या का औसत 39 है, पहली तीन का औसत 39 है, एंड दैट ऑफ नेक्स्ट सेवन नंबर इज 49,
और अगली सात संख्या का औसत 49 है। देखो सो गया, अगली सात का 49 है, बोल भी दी इंग्लिश में लाइन, सो रहा है। अगली सात का 49 है। द इलेवेंथ नंबर इज टू टाइम ऑफ ट्वेल्थ नंबर। इलेवन नंबर इज टू टाइम ऑफ द ट्वेल्थ नंबर एंड द ट्वेल्थ नंबर इज थ्री लेस देन ऑफ थर्टींथ नंबर। What is the average of 11 and 13 number? स्टार बना लेंगे इस क्वेश्चन पे। ये पहली बार आता था जब यूपीएससी सी सेट में आता था, फिर बैंक पीओ में आने लग गया, फिर एसएससी देने लगी, अब सभी पेपरों में आने लग गया। यानी नया क्वेश्चन अब आने वाले एग्जाम में बार बार पूछूगा इसको। डाटा बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हिंदी में अगली सात का औसत 49 से लिख लिया था। उसके बाद लिखिए ग्यारहवीं संख्या 12वीं संख्या से दुगनी है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दुगनी है। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से तीन कम है। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से तीन कम है। ग्यारहवीं और तेरहवीं संख्या का औसत कितना है? ग्यारहवीं और तेरहवीं संख्या का औसत कितना है? ऑप्शन लिख लो 57। बार बार नहीं बोलूँगा, वे एक बार बोल लूँगा ऑप्शन। 57, 56, 54.5, 55.5। शाबाश भी, बताओ, लिख लिया क्वेश्चन, बता दो, कोशिश कर, बहुत प्यारा है। एसएससी का क्वेश्चन है यार, 10वीं प्लस बेस का है, 10+2 सीएचएसएल का क्वेश्चन है, और उसके बाद आया मेंस 2018 में। भाई शाबाश, कितना बताया भाई? वाह, गलत है तो ऐसे मत हो, मारेगा देख ले तेरा दोस्त, असरा तू बोल, असरा देख लो। आनंद यार, देख कितने दिन हो गए एवरेज पढ़ा रहा हूँ, 5 क्लास हो चुकी, 6ठी क्लास है एवरेज की, जब भी नाले क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे तुम में से आज कोई भी एक। ये पांडे जी, पड़का पांडे, वो तो ऑप्शन में नहीं है, तुरंत दुनिया से ना का आंसर आता है, कहते हमने मैथ सीख लिया, सारा पढ़ लिया आपसे। देखो पार्वती जी बैठी है, देखिए अजय विजय ट्राई नहीं करता है, या कर हमने एवरेज पढ़ रखी है, नालायक ट्राई नहीं कर रहा है, पढ़ रखी है। नहीं, शुरुआत बिल्कुल जीरो से करता हूँ मैं, धीरे धीरे उच्च कोटि होती जाती है। अगला टॉपिक जो पढ़ेगा ना इसके आज पूरा हो जाएगा, बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हूँ, एक बार में नहीं। आइए जिंदगी के अंदर फिर आप तो किरण बनाओ,
RS अग्रवाल बनाओ, राके आजाद, जो मर्जी किताब आप पढ़ते हो उससे क्वेश्चन बाहर नहीं छूटते। मैं सारे टाइप पढ़ाता हूँ हर किताब की। मैं ये नहीं कि बच्चों को अच्छा लग रहा है, दो ऐसे लिख दूँ मैंने कि बेटा 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन बताओ, तेरा आंसर आ जाएगा, पेपर में आने नहीं है। हाँ, आजकल बच्चे हर जगह कोचिंग में, जो बच्चों को अच्छी लगने वाली चीज़ पढ़ाई जाती है वो दो दो साल से कोचिंग ले लेते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। मेरे यहाँ जितने बच्चे होते इसके साथ के बैच से, पूरा बैच का सिलेक्शन हुआ है, पिछले बैच का था ये। जितने बच्चे थे घर पे इतने पढ़ाता हूँ सबका, टोटल मैथ रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं रुकता सिंगल। रीजनिंग इनकी पूरी करा चुका हूँ एक बार, कल टेस्ट पेपर में देखो पूरे पूरे क्वेश्चन आ रहे थे, देखा था एक ही पेपर। दो धीरे धीरे दोबारा जिसके टॉपिक है, जैसे संडे संडे फिर करा रहा हूँ, दोबारा में एक टॉपिक हुआ है तेरा काउंटिंग ऑफ फिगर, अगले क्लॉक कैलेंडर हो जाएगा, ऐसे सारे कराते रहो, इससे क्यों प्रैक्टिस भी नहीं छूटेगी। पढ़ा दूँ बता दूँ? अच्छा पढ़, क्वेश्चन क्या लिखा साहब, देखो ध्यान से सुनना, जैसे क्वेश्चन को मैं टैकल करता हूँ, बड़े से बड़े क्वेश्चन आ जाएगा वैसे ही टैकल करना, 2 सेकंड में आंसर आएगा। ओ DONKEY आदि पढ़ो। तेरह संख्याओं का औसत भैया, 13 संख्याओं का एवरेज दे रखा भैया कितना, 47। यानी मैं कह सकता हूँ एक संख्या मैं हूँ मान लो मेरा औसत 47 है, दूसरा ये है 47, तीसरा ये 47, चौथा ये 47, पाँचवा वो 47, छठा वो 47, यानी सबके पास कितने रुपए हों, इसके पास सबके पास 47 13 के 13 में, इसलिए हमने सबको बराबर 47 दे दिया। आगे पढ़ो। एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज 39। पहली तीन का मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना है बेटा 39। अब यहाँ से क्वेश्चन समझो, पहली तीन का कितना है और हमने लिया कितना था हर संख्या का, 37। यानी कितना कम हो गया पहली तीन का, मैं दूसरे कलर का मार्कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहली तीन का कितना कम हो गया, 8 कम हो गया, तीन संख्या, यानी टोटल कितना कम हुआ बेटा, कोई दिक्कत है किसी को भी? यानी 47 लिया था मैंने, 8 पहले पे कम, 8 दूसरे पे कम, 8 तीसरे पे कम, तीनों पे कितना कम हो गया? जिस किसी को जहाँ डाउट लगे वहीं पूछ लेगा, रिपीट करोगे दिक्कत रहेगी। क्लियर है यहाँ तक भाई? सभी संख्याओं का 47 एवरेज है, पहली तीन का 39 है, तो एक पे कितना कम, तो तीन पे कितना कम हो गया दोस्त, पक्का बता गए किसी को? अच्छी बात, आगे पढ़। एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 नंबर इज 49। अगले 7 का कितना है बेटे, 49। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से कितना ज़्यादा ले रहे, देखो 2, एक पे 2 तो 7 पे कितना ज़्यादा लेगा। अगर मैं इन टोटल बात करूँ तो अभी तक कितना कम आ रहा है हमारे पास, अभी 10 कम आ रहा है अभी। क्लियर है बात? मैं प्लस लिख देता हूँ, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को भी? आगे पढ़ बेटा साहब। अब देखो यहाँ पे एक तो 11th नंबर है, तुलना किस किस की करें, 11th नंबर की 12th की और 13 की। अगर मैंने 12th नंबर को मान लिया बेटा x, क्या मान लिया, तो 11th नंबर दुगना है उसका कितना होगा भाई, 12th नंबर अगर x माना है तो 11th उसका 2 टाइम है, ये लिखा है। आगे 12 नंबर 3 कम है 13 से, तो 13 12 से 3 ज़्यादा होगा। अरे 12 3 कम है तो 13 3 ज़्यादा होगा, नहीं होगा, पक्का होगा। अगर मैं इन तीनों की औसत निकालूँ तो इन तीनों की कितनी आनी चाहिए थी, 47 आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी, लेकिन इन तीनों की लेंगे तो हम 47 गुना, और ये 10 कम थे, 10 हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो 10 कम थे वो तीनों से लेंगे, तभी हमारी एवरेज बराबर चल रही होगी। जोड़ देंगे इसको हम, कितना हो जाएगा ये, 2x 3x और एक 4x प्लस 3 बराबर कितना होगा, 3 7 21, 312 और 2 यानी 4x, 3 इधर ले जाओ तो कितना होगा, 148। 4 से काटेंगे, 4 3 12 2 4 7, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 37। किस किस का औसत पूछा है, 11th नंबर को क्या माना था, तो x की वैल्यू 37 है तो 2x ही कितनी होगी, और x प्लस 3, x की 37 है तो x प्लस 3 37 और 3 40, और 11 नंबर और 13 नंबर का औसत
11 नंबर और 13 नंबर का औसत, 11 नंबर कितना 74 और 13 नंबर कितना, दो नंबर का औसत कितना आ जाएगा 134 बटा दो, मतलब 74 और 40 कितना 114 बटे दो का मतलब, इस सवाल का उत्तर देखो फिर से समझा रहा हूँ एक बार, पढ़ बेटा तू पढ़। 13 संख्याओं का औसत कितना बेटा, ध्यान से सुनना वाक्य 47। पहले तीन का 39 है, तो पहले तीन में देखो 47 से 39 में कितना कम है, तो तीन में कितना कम होगा 24 कम होगा, बात क्लियर है। अगले सात का कितना है, इससे कितना ज़्यादा बेटे, तो सात पे कितना ज़्यादा होगा, अभी तक हमारे पास कितना अंतर आ रहा है 10 का। फिर इसने बोला 11 नंबर 12वें का दुगना और 12 नंबर 13 से तीन कम, 13 तीन ज़्यादा होगा, यानी तीनों का एवरेज दे रखा था हमने कितना लिया था हर किसी का 40 सेंटीमीटर, से 10 कम था तो 10 एम एम बढ़ा दे, तो अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली कितनी, तो 11 नंबर पूछा 37 गुना दो 74 और 30 नंबर 37 प्लस 3, इन दोनों का एवरेज निकालना दो से भी किसी को मान ले, तो इसको तीन बढ़ा फिर उसका दोगुना इसको कर लो। अगर ये एक्स लेता तो ये कितना होता, एक्स माइनस थ्री, उसका दोगुना करेगा एक्स माइनस थ्री, 2x-6 सोल्व कर ले, आंसर थोड़ी बदल जाएगा बेटा, सोल्व कर उससे, क्लियर है। इसलिए मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप इस टाइप की चीज़ बेसिक से पढ़ाया था मैंने बिल्कुल जीरो छोटे छोटे क्वेश्चनों से, अगर आप इस लेवल तक के क्वेश्चन कर लेते हो तो एग्ज़ाम आने वाले 4-5 साल तक आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करके चले जाओ। इसलिए कहीं पे भी पढ़ो, हर लेवल का पढ़ो, ये मत पढ़ो कि मैं खाली इसी चीज़ की तैयारी करूँगा, तब वो चीज़ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी कभी भी। एक और देता हूँ ऐसा ही, तरीका पता चल गया, ब्रिंक उस दिन पूछ रही थी क्वेश्चन में, ऐसे ही करना है बेटा इन क्वेश्चन में, मैंने बोल दिया कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा कुछ नहीं छोड़ूंगा, सारे लेवल के पढ़ाऊंगा, बस सबर करके पढ़ना है। आनंद कर, नाम नहीं, अरे नाम नहीं है बस यार, यही कमी है। मिटा दें, आया बालक समझ में, ये तो चारा उतर जाता बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद, अभी बालक है कोई बात। 12th इसी साल की है, 12th की स्पेलिंग क्या है मेरे को आती नहीं, पर बता एक बार शाबाज, 12th की स्पेलिंग बता दे एक बार, इंग्लिश मीडियम में भी है तू, बता शाबाज। हाँ गलत है, पता है SSC ने कितनी बार पूछ लिया, TWLFTS होता है, बहुत बार आई है SSC के पेपर में, TWELFTH, आज गूगल सर्च करिए, कर्नल की कॉलोनल को होता है कर्नल पढ़ते हैं, ETC की फुल फॉर्म, ETC की एटसेट्रा स्पेलिंग क्या होती है, ये भी SSC में आई है, एटसेट्रा ETCETERA, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, बार बार रिपीट होंगी चीज़ें। 51 51 लिखिए, द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 74, एवरेज ऑफ 33 नंबर 74, 33 संख्या का औसत 74 है, लिख ले भाई, 33 संख्याओं का औसत 74 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 70 नंबर इज 72.8 जी, पहली 17 संख्या का औसत 72.8 है, पहली 17 संख्या का औसत 72.8 है,
एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 17 नंबर इज 77.2 और अंतिम 17 संख्या का औसत 77.2 है, 33 का औसत 74 है, पहली 17 का 72.8 है, अंतिम 17 का 77.2 है। लिख लिया यहाँ तक भाई? वाह। इफ़ द 17 नंबर इज, इफ द 17 नंबर इज एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। यदि 17वीं संख्या को बाहर रखा जाए, यदि 17वीं संख्या को बाहर रखा जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना है? दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का क्वेश्चन है, बताओ। घटिया क्वेश्चन, महाघटिया क्वेश्चन। अगर ये दूसरी तीसरी क्लास में आपका कोई छोटा भाई बहन पढ़ रहा है उसको दे दो, वो भी स्कूल में पढ़ के तुरंत निकाल देगा। अभी मैथ पढ़ रहा है, तुम्हें 10 साल हो गए छोड़े हुए, इसलिए शायद। अरे सौरभ को दे दो, 5वीं 6वीं क्लास में, भाई साहब बहुत ब्रिलियंट है, मैंने दिन पूछे थे क्वेश्चन, तुरंत बता दिए थे उसे। छोटा भाई है मेरा, बड़ा इंटेलिजेंट है, बस उसको सही गाइडेंस मिल जाए लड़का बहुत आगे तक जाएगा। ऑप्शन दे देता हूँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑप्शन देते हैं हम आपको। ऑप्शन है सर 72.9, 71.6, 70.8, 73.4। देख ले, देख ले, देख इधर देख, करा था यही क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का है। अभी जो करंट के क्वेश्चन जगह आ रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें क्या होता है हर चीज़ अपडेटेड रहना पड़ता है टीचर को, नई क्वेश्चन। चलो कोशिश करो फिर हम बताएंगे। आनंदम गणितज्ञम, नहीं सक्षमी, इसको आज कंप्यूटर की पीडीएफ दे दियो इसको, अभी जाते इससे ले लो, चुके फ़ोन में पड़ी है, याद करके ले लियो, ठीक है? मैं भूल जाऊँगा, अभी बात क्लास के बाद करेंगे, आराम से बैठेंगे 5-7 मिनट के साथ, दो दो पैक हो जाए फिर पानी के। यार इस पर डाल दे निकाल के भाई, उधर बैठ जा, दिक्कत हो रही है, देख शाबाश। किसने बोला था आगे सरकने के लिए, जो लेट आएगा वो आगे बैठता, किसने बोला था आगे सरकने के लिए, वो लेट नहीं आएगा आगे से, अगर तू आज सरक जाए कल फिर लेट आएगा वो, गलत कह रहा हूँ बता? सेवेंटी नंबर कितना है समझा दे भाई, पक्का पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा है। एक तो आपके तरीके से जैसे आप लोग सोच रहे हो
फिर लास्ट में अपने तरीके से बताएं। पढ़ भैया क्या लिखा है। 33 संख्याओं का औसत कितना भैया? आप ऐसे कर रहे थे 74 था, तो आप कुल निकाल लेते ऐसे। बोलो निकाली थी ना, निकाली थी किस किसने निकाली थी? किसी ने निकाली पक्का? फिर मैं ऐसे बताऊंगा नहीं, जाओ गाइड बताऊंगा मैं, आगे पढ़ भाई, अन्य बता रहा मैं। बस 17 नंबर इज 72। पहली 17 का कितना है? 72.8। कितनी कम है इससे? -1. तो 17 नंबर की कम है -1.2। आगे ये फर्स्ट है और ये लास्ट 17 है। लास्ट 17 का कितना है? 77.2। भाई गुस्सा नहीं, देख गुस्सा नहीं, मैं भी 10 बार बताता हूँ, बहुत मारूंगा देख ले। कितना कम मतलब कितना ज़्यादा? तो यहाँ पे 3.2 ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से? और 3.2 में से 1.2 घटा दे तो कितना ज़्यादा आ गया? कई बच्चे गुणा भी कर रहे होंगे इसमें, 3.2 अंदर यहाँ बचा या 1.2 बचा, 3.2 में से 1.2 गया 2, 17 × 2 = 34। यानी 34 नंबर ये रहा और 74 ये रहा, तो 17वीं संख्या कितनी आ गई? तो कई 74 + 34, अगर पूछता तो 17वीं संख्या 108, ये नहीं पूछा। आगे क्या पूछा है? 17वीं संख्या हटा दी जाए तो टोटल थी कितनी, बचेगी कितनी? तो देखो कई बच्चे इसको भी अलग से निकाल के फिर गुणा करके फिर निकालेंगे ना, एवरेज इतनी तो थी, इतनी तो रहेगी, 32 यहाँ से कम कर देंगे तो लगभग कितनी कम होगी? 74 में से 1.1 घटा दो। नहीं तो मैं पूरी कैलकुलेशन से फिर ऐसे बताता तो अच्छा समझ में आता। तुम लोगों ने मना कर दिया, नहीं हमने ऐसे किया नहीं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया। सारे आसपास ही है, क्या कह रहे हो? 34 ज़्यादा आया था, तो 74 में 34 जोड़ के 17वीं संख्या कितनी आ गई? 108। आप या तो ये करो, इन दोनों की गुणा करो, उसमें से 108 घटा के 32 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 72.9। या हम क्या करें, 74 तो एवरेज थी बेटा, कितनी ज़्यादा थी? 34 को 32 हिस्सों में बांट रहे हैं तो सबके हिस्से में कितना कम होगा? तो 1.1 घटा देंगे। क्लियर है? नहीं तो कैलकुलेशन वाला तरीका कराता फिर वो, जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में कराए थे आपको। अभी एक इस बालक के ऊपर से जा रहा होगा, जा रहा है मुझे पता है, थोड़ा थोड़ा जाएगा, कोई बात नहीं, आज ही ख़त्म, अगली क्लास से नया टॉपिक शुरू होगा, मज़ा आएगा। होता है सर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलो पेपर ही करा देता हूँ, एक 7-8 क्वेश्चन रह गए, फिर इसको अगले क्लास में करा दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ दोस्त, 74 में से 1.1 घटा, तेरे पास 74 रुपये हैं, 1 रुपये 10 पैसे तूने मेरे को देने हैं, कितने बचेंगे? ये आंसर आ गया। मैंने कहा 74 रुपये तो थे ही, 34 रुपये 32 हिस्सों में बांटने घटाने हैं, सबके हिस्से में कितना आएगा? तो 1.1 कम करना है, एक बंदा कम हो गया ना, 17वीं संख्या बाहर करनी है तो 32 हो जाएंगे। चलो पेपर ही करा देता हूँ मैं, 7 क्वेश्चन रह गए इसके। कई बच्चे को अटैक वटैक आ जाएगा, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी अच्छे हैं इसके बाद। कोई जब कुछ कर बैठे विमल जैसा, आया 5 दिन बाद आती ऐसे क्वेश्चन पढ़ा देते भाई, तो वो नहीं जीने देती, एक तुम क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन नहीं जीने देते, हम कहाँ जाएँ अभी? मत निकालो पेपर।